नीचे के काम पेड़ पर काम। अरे वो लकड़हारी थोड़ी जोर से बोल गणी हूँ चुना कम से ओ छुरी। हाँ ओ लकड़हारी के कर रहा है ऊपर ऊपर लकड़हारा पेड़ पर लकड़ी काट रहा है। अच्छा हाँ इतनी ऊपर और के कितने लकड़ी लकड़ी ऊपर है कुआड़ो में रोक तड़ान से और काट रहा हूँ वैसे। अच्छा हाँ कितनी काट ली पूरी काट ली बच रही है थोड़ी बच रही है कुकून है तड़न। ओहो मैं हूँ एक लड़की फिर आड़े क्यों फड़की तू मैं बताऊ क्यों फड़की। हाँ पहले नीचे उतर नीचे ना ऊपर तो ये बता दे जो बात है भाई तू। ओहो लिपस्टिक टिकी बिंदी लाली और जंगल में घोर पिया बाल भाई तू कोई चुड़ैल भूतनी है मैं नीचे नहीं आऊ। अच्छी नहीं हाँ। ना तो मैं चुड़ैल ना मैं भूतनी और मैं हूँ एक सीधी सादी सी लड़की। ना सीधी सादी तो खोल सीधी सादी है जंगल में क्या करती तू है कोई तेजी चीज तू कुछ भी समझो पर पहले नीचे उतरो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ना 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 ऊपर तो बता दे नीचे मन छोरिया तो बॉर्डर ला क्या करे ऊपर तो बता दे देखिए नीचे आ जा नहीं तो मैं भी ऊपर आ जाऊंगी फिर। ना ना फिर तो नुकसान हो जाएगा मैं आऊ हूँ। आ जा नीचे आ जा शाबाश। हाँ इतना सुंदर इतना सुशील इतना मेहनती लड़का हाँ। मैंने पहले कभी नहीं देखा। इब देख ले इब देख लिया। अच्छा अब मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। मोहित हैगी जी फिर क्या करागी क्या करूंगी हाँ। ये जो मेरा दिल है ना दिल हाँ ये मेरा दिल आप पे आ गया है। आ गया जी आ गया तो आ गया दिल तो पागल है एक काम कर हाँ अपना घर जा मन लकड़ी काटने दे। अच्छी नहीं हाँ लकड़ी अब मैं भी थारी गेल काटा करूंगी। तू क्यों दुखी होगी भाई मैं तेने जानता नहीं पिछानता नहीं क्यों पीछे पड़ रही है तू घर जा। पीछे मैं इसलिए पड़ रही हूँ हाँ क्योंकि अब मैं आपके साथ में हाँ शादी करना चाहती हूँ। शादी शादी जी यो क्यों हो या करे शादी की नहीं पता ना देख लो जी शादी की नहीं पता इसने भाई मैं जंगल में रुसुमुन के बेर शादी में तो हनीमून जाना करो बस थोड़ा थोड़ा और कुछ नहीं जानता। अच्छा शादी की नहीं जानता ना चल ब्याह तो जानता होगा ब्याह हाँ ब्याह अभी थोड़े दिन पहले एक भैंस भी आई थी और तो कुछ नहीं जानता। अरे मैं भैंस ब्याहने भी नहीं कर रही हूँ ब्याह जो वीर और मृत की शादी होती है फेरे होते हैं उसको बोलते हैं ब्याह। फिर क्या करना चाहो तू अब मैं आपके साथ में ब्याह करूंगी अगर ब्याह भी नहीं जानते लव मैरिज तो जानता होगा पढ़ा लिखा लग रहा है मुझे तो। अरे मैं कुछ ना जानू तू मन लकड़ी काटवा दे आराम से देख हाँ। लकड़ी में भी थिरी गे तेरी गेल काटूंगी अब और तेरे साथ में रहूंगी जिंदगी भर। मैं तो नहीं राखता क्यों अरे क्या करना चाहो तू मैं तुम जानता नहीं पिछानता नहीं। अच्छा तू कोई भूतनी चुड़ैल के है तू। अच्छा हाँ। चल एक बात बता सीधी सीधी बात पे आ हाँ। तेरे घर में मेरे घर में तेरे घर में कोई मेरे जैसी कोई जवान सी है मेरे घर में तेरे जैसी मेरी माँ है। अरे मैं तेरी माँ की बात नहीं कर रही हूँ और मेरे जैसी कोई है और तो कोई को ना। अच्छा हाँ। बनेगी बात फिर तो कुंवारा है कुंवारा कोई दिक्कत नहीं अब तो मैं तेरी गेल बिल्कुल 100% करूंगी ब्याह 100% करेगी। हाँ देख भाई तेरे लत्ता धनु पता चला तू कोई राजा की या कोई सेठ की लड़की हो जी मैं गरीब लकड़ारा तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता। नहीं जी मिलता है ना जोड़ा मिल रहा है ना मिले मेरी बात सुन ले तू। अच्छा बताऊंगा सारी बात सुन मेरी बात। हाँ चाहिए से प्यार चाहिए से प्यार प्यार मेरे ताऊ को ले लेते ले। अरे ताऊ तो के लू से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से We'll be right back.
गुजारा करने में रोजगार चाहिए से, पहले तू तेरी बता मेरी बात में बूझिए। अच्छा तेरा कौन है हो, तेरा कौन नाम का मैं अब तक पाती ना जान, तेरा कौन नाम का मैं अब तक पाती ना जान। जंगल के मैं इस जंगल के मैं डेरा मेरा नाम सत्यवान, काटता हूँ। तो क्या गरीबों की शादी नहीं होती? मेरा नहीं होती होगी पर मैं नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? तू जिंदगी भर रांडा रहना चाहता है क्या? बावली रांडा की मौज है दुनिया में। अजी रांडों की कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी क्यों नहीं होती देख? क्यों? मोदी रांडो, ए योगी रांडो, ओ बाबू रामदेव रांडो, अच्छा और खट्टर रांडो, अच्छा जी और मैं रांडो, और सुन हाँ पप्पू भी रांडो। पप्पू? हाँ पप्पू कौन? पूरा देश जान रहा, तू नहीं जानती पप्पू ने? अच्छा हाँ। समझ गई वो भी नू सच तू भी रांडो रह कदे तेरे ना से जाएगा पर अच्छा। उसका फिर भी काम नहीं चल रहा। तो पागल उनको छोड़ तो अपना देख। मैं भी रांडो, तू भी रांडो, हर मारा पुलिस वाला भी रांडा। तन्ने तन्ने क्यों कर पता वो रांडे है? बावली रांडा सी जब तो थाने पैसा दे रही ना तो कोने देते। अच्छा हाँ देख पागल जो एक जिंदगी जीवन साथी की होती है ना हाँ। जो घर बार में जो जिंदगी होती है वो पागल रांडो इंसान की नहीं होती, जो घर बार इंसान की जिंदगी जो होती है। घर बार आदमी शाम के 8 बजे हो 8 बजते ही नहीं हो जा घर भी जाना कदे फोन हो कई तो वो उस पे नंबर पे भी नहीं लिख रहे टेंशन घर तक फोन आते टेंशन तेरी मार माध्यम भड़क हो जा। अच्छा और रंड आदमी हो खावा किता सोवा किता कोई किता कोई कोई गड़बड़ नहीं अपना आराम तो जिंदगी काटो। अच्छा तो मैं तो रंडे आदमी पे भरोसा करता नहीं हूं। मैं तो शादीशुदा इंसान पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तू करे जो सुन हाँ। हो बिन साथी हो बर्बादी ना उम्र ये कटे थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे थोड़ी करूं कमाई तेरा पूरा ना पटे तेरा रोज निभाऊ साथ मेरी दूर क्यों हटे रोज निभाऊ साथ मेरी दूर क्यों हटे दुख में जीवन काटेगी सत्यवान नुनते घरवारी ने नारी का बेदार चाहिए से।
सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटता हूँ, एक टाइम की रोटी लाता हूँ, तीन रोटी, उसमें एक मेरा बाबू, हाँ, एक मेरी माँ, हाँ, और एक मैं खा लूँ। अच्छा, घर में मतलब तीन लोग हो? तीन आदमी है, तू क्या खाओगी? अच्छा, मतलब एक तेरी माँ है, एक तेरा बापू है। हाँ, तीन रोटी ले आऊँ मैं, एक मेरी माँ खा ले, एक मेरा बाबू, एक मैं खा लूँ। मैं भी उसमें से एक दो टूक खा लूंगी। तू एक दो टूक ना, फिर तू पूरी बिलांद खाएगी और मेरे पे नहीं ले आई जा। अजी मैं खा लूंगी, देखो मैं चटनी के साथ खा लूंगी, तुमको तो मैं पानी पी के सो जाऊंगी। अच्छा हाँ, आपके मात पिता है ना? एक और गड़बड़ है। क्या दिक्कत है? मेरे दोनों मात पिता अंधे हैं। अंधे? अंधे हैं, घर में दो खाट है, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जा, और बीच में बिछा कर मैं सो जाऊँ। तू कड़े सोगी? तेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, दोनों घर में दो खाट है, हाँ, वो सो जा, हाँ, बीच में तू सो जा, मैं सो जाऊँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं जी। क्यों? बीच में मैं भी सो जाऊंगी। हर जब मेरे माँ बाबू की आँख खुलगी तो अरे उनने की मेरे वो तो अंधे है, अरे अंधे हम पहले को ना महसूस कर लेंगे। आपसे पहले मैं उनकी सेवा करूंगी, फिर ठीक है जी। अरे जती बहु ने बालम मर आके बैठी है, लाई में आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। के सावत्री मेरे प्राण कार्ड के, अरे सावत्री मेरे प्राण कार्ड को ले जाना चाहे से, मेरी काया में बड़क लाग रही चक्कर सावे से, दुश्मन काल लहू देई का चटन ने हो रहा से, लेके कुलाड़ा आड़ मेरे को कटन ने हो रहा से, मेरा जी लिकड़ा मैं मरा पड़ा सिर पटन ने हो रहा से, सत्यवान इस जिंदगानी ने नटन ने हो रहा से, यो बैरी की सा दर्द जिगर ने चूट चूट खावे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सावे से। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पास आके बैठिए सावत्री। पिया जी, पिया जी, एकदम फटका खा के सत्यवान गिर गया, फिर यमराज आया, के कहानी बनी। यमराज ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, रुकिए महाराज रुकिए। बेटी जी, क्या तूने मुझे देख लिया? हाँ बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ। यमराज को तो आत्माएं देखती है, तूने जीते जी मेरे दर्शन कैसे कर लिए? महाराज आपने निर्जला एकादशी माता का व्रत किया है, और माता बहनों निर्जला एकादशी का ये वो व्रत है मौत को भी उल्टी फेर दे। बेटी
मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। ये कौन है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति? जी। हे लाडो, ये तो मर लिया। नहीं महाराज, नहीं। इसकी आयु के दिन पूरे हुए? नहीं। अब ये मिट्टी पड़ी है तेरे आगे। ऐसा मत कहिए महाराज। इसने गिनती के सांस पूरे कर लिए। अभी तो हमारे शादी के एक साल हुआ है महाराज। आप अभी से मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। एक साल तक पति का सुख भोग लिया, दुनिया में न जाने ऐसे कितनी लड़की। एक दिन सुहागण, अगले दिन अभागण। लाडो, प्रकृति का नियम है। बेटी, जब तक तू अपने पति के मृतक शरीर के नजदीक है, मैं चाहकर भी इसकी आत्मा नहीं निकाल सकता, क्योंकि तेरे सत और तेज की अग्नि मुझे भस्म कर सकती है। मैं निवेदन करता हूं, मुझे मेरा कर्म करने दे, तू तेरा कर्म कर, लकड़ियां इकट्ठी कर और इसके अंतिम संस्कार का जुगाड़ कर। बेटी, तू अलग हट जा। लाडो मर चुका है। नहीं महाराज, अगर आप मेरे पति के प्राण निकालना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए। मैं चाहकर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता, और चाहकर भी किसी के प्राण उल्टे नहीं छोड़ सकता। ये मेरा कर्म है। बेटी, मोह माया का खेल है, सब दिन कट जाएंगे। हट जा तू, अलग अलग हट जा। सावित्री, सावित्री उल्टी हट जा। कैसे हट जाऊं महाराज? अब तेरा फर्ज खत्म, तू ऋण से उऋण हो चुकी है। अंतिम संस्कार कर, उल्टी हट जा। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। तेरी उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट आज में कई डाल के मानस व्यग्र है। इस भाई ने न्यू नहीं पता के हो के रहा है और बुढ़ा लोग हो रहा है। अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना तो के पहचाना मेरे भाई। हंसी मजाक की बहुत बातें होती है, ये आपकी संस्कृति है, मिट्टी से जुड़ी बात है। कि क्या सवाल जवाब रे, दिल से सुनिए। बेटी जी, इसके शरीर से अलग हट। कैसे हट जाऊं महाराज? क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ। नहीं मिलेंगे। तू इसके नजदीक है, मैं इसकी आत्मा भी नहीं ले सकता। एक काम कर, वो गुलाब का फूल खिल रहा, जा उस फूल को तोड़ के ले। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। बड़ी चालू है तो। बेटी, मैं अगर जो तू कहेगी वो दे दूंगा, पर इसके शरीर से एक बार, एक सेकंड को अलग हट जा। नहीं महाराज, आप कुछ अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति के प्राण दे दीजिए। हे सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर किज को न्याताल करूं। पहले वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करो। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर
हट जाएगी जी। तो ले वचन, एक दो तीन। अच्छा, सत की सती सावत्री मैं भी तो तेरा ख्याल करूं, जावान वस्ता जति पति बिन मुख बता किस ढाल करूं, जावान वस्ता जति पति बिन मुख बता किस ढाल करूं। ए भले बुरे कर्मो का लेखा, भले बुरे कर्मो का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। अरे झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन मेरा पट जा, वचन दे दिए, अब भी आप इसके शरीर से अलग नहीं हटी, गलत बात महाराज। जाइए, ये तीन वचन मैं तीन वरदान में बदलता हूं। अच्छा, परंतु तू भी एक वचन दे। कैसा वचन महाराज? अपने पति को नहीं मांगेगी किसी भी वरदान में। ये क्या कह रहे हैं महाराज? बस पति को नहीं मांगेगी महाराज। हाँ, रहम कीजिए, मेरे घर में सास ससुर है, वो भी दोनों अंधे हैं। अरे दुनिया मरे किस किस का रहम करूंगा मैं? एक ही संतान है उनकी। अरे चाहे एक हो चाहे लाख हो। अरे घर पे जाके मैं उनसे क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी? यमराज किसी के आंसू के परवाह में नहीं बहता, मैं तो मेरा कर्म करता हूँ। इसकी आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ये शरीर ये तो नश्वर है, कपड़ों की तरह शरीर बदलते हैं, आत्मा का स्थानांतरण कराना मेरा काम है। बेटी बात को समझ, मर चुका है तेरा पति। महाराज ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं, तो ठीक है महाराज, आप ले लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं। बढ़ गया काम, बढ़ गया। एक वचन दिया है, ध्यान रहे, अगर पति मांग लिया तो तू वचन हार हो जाएगी, तेरा सत खत्म हो जाएगा, चाहे तू कोड़ी भर के पड़ी रहिए, जब भी मैं इसको ले जाऊंगा। पति को मत मांगना, और तीन वरदान में पूरी कायनात की कोई भी चीज मांग ले मैं दे दूंगा। ठीक है, कही अपनी बात। अब भाई काबू में ले। अरे पहले वचन महाराज तो सुनिए, मुझे आपसे पहले वचन में क्या चाहिए महाराज? दिखे राज मिले, अरे राज मिले और नैने खोल तो उस ससुराने तर ही ने मेरा। राज मिले और नैने खोल दे वो ससुराने तर ही ने मेरा। ये तेरा पहला वरदान, अरे इसको खोल दे। जी महाराज। हेलो बेटी, एक बार फिर सुनो। जी महाराज। मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। अरे राज मिले महाराज, पहले वचन में मुझे आपसे क्या चाहिए? कहिए। दिखे राज मिले और नैने खोल तो वो ससुराने तर ही ने मेरा। राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराने तर ही ने मेरा। ये तेरा पहला वरदान। पहला वरदान। तू चाहती है कि तेरा जो ससुर है राजा दुमत सेन जी,
उसके मंत्री चोंडा राय ने राज खोस लिया। हाँ महाराज। उसका राज दे दूं? जी। और तेरे सास ससुर अंधे हैं? जी। उनकी आंखें खोल दूं? हाँ महाराज। तो बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलीन मेरा, बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलीन मेरा। कर दिया पति का जिक्र महाराज। भला कर तूने पति मांगे नहीं, वचन हार हो जाती। कैसी बात कर रही है? जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है, जो सत के ऊपर डट जा। अरे उस मानसिक के कर ले जो कही बात में रट जा, उस मानसिक के कर ले जो कही बात। तेरे दो वरदान रह गए, सोच ले समझ ले, लेकिन पति का जिक्र करया तो मैं एक भी वरदान पूरा नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, अब नहीं करूंगी। हाय सोच फिकर को छोड़ सकती, सोच फिकर को छोड़ सकती, दिल की चिंता दूर करो। अरे दो पुत्र हो, दो बेटे हो मेरे पिता के, वो धर्मराज मंजूर करो। दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान। जी महाराज। दो पुत्र हो तेरे पिता के, यानी यानी कि मेरे भाई। दो भाई। हाँ। बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। हाय दो भाई तेरे हो जाएंगे, दो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। अरे एक बेटा हो एक पुत्र हो मेरी ही कुकी से, तेजस्वी और शूर करो। एक पुत्र हो मेरी ही कुकी से, तेजस्वी और शूर करो। धन्यवाद सावित्री, धन्यवाद, तूने अपना पति नहीं मांगा। बेटी मैं दोहरा दूं, कदे पाचन्यू का यमराज चीटिंग कर गया। जी। पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज, राज, उनकी आंखें, उनकी आंखों की रोशनी। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो पुत्र। जी। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र। हाँ, बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। हाय देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज, अरे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। होगी कैसे? तीन वरदान दे दिए, सास ससुर की आंख, उनका राज। हाँ। तथास्तु। जी। तेरे पिता के दो पुत्र। हाँ। तथास्तु। जी। तेरे भी एक पुत्र, तथास्तु। महाराज दिखे कैसे होगा, क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति आले दमट जाए। महाराज यो क्या मांग लिया? क्या मांगा महाराज? हमने पहले ही कहा था। क्या के यो पिता नहीं मांग, ये के है यो पति। हाँ पति मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है, मैंने तो पुत्र मांगा है। अरे दे तो दिया, तेरे पिता के भी और तेरे भी। अच्छा। हाँ। तो आप ही बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं लाडो, ये तुम्हारे देश में गर्मी बहुत ज्यादा और दिमाग भंगड़ होगा मेरा, ये वरदान मैंने गलती में दे दिए। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं लाडो, और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत कह रहे थे तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तीसी होगी तथास्तु की लाडो,
ना ये तीसरा वरदान हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते नहीं। तो आप अपने वरदानों को तोड़ दीजिए महाराज, वचन हार हो जाइए। बेटी यमराज सुमे बेइज्जती ना करे मेरी, ना मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, वरना आप जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। यमराज की बेइज्जती भाई, आवाज खोल सावित्री की, जोर लगा रही है सावित्री, जीप बन रही है। बेटी चाहे इन तीन की जगह 10 वरदान और ले ले महाराज। हाँ, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं। हाँ, अगर आप पूरे नहीं दे सकते तो आप जहां से आए हैं वहीं वापस जाइए। मैंने ये तीसरा वरदान गलती में दे दिया, इसलिए तेरी आत्मा आ गया। मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। अच्छा, क्या तुझे मुझसे तनिक डर नहीं लग रहा? नहीं लगता। मुझे देख, देवी देवी डट जा, मान जा। नहीं महाराज, मर गया यो। मर गया? आपके फिर वरदानों का क्या होगा महाराज? आपका नाम के क्या होगा महाराज? आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तन्ने तो मुशी बना दिया। अरे महाराज, आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो नहीं कर सकते। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी ना छोड़ा तने। अरे मर लिया है, प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। ये नियम है प्रकृति के, जिसको आना है उसको जाना है। अच्छा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये नहीं हो सकता लाडो। नहीं ये हो जाएगा महाराज, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं होगा, नहीं होगा। अरे नोनी दी दिखे नोनी दी और बारा सीधी आती नाप की माया। नोनी दी और बारा सीधी आती नाप की माया। ये क्यों कर जीवित कर दूंगा, बता क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। दिखे सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। नहीं माने? जी नहीं। जिंदा करवाओगे? बिल्कुल। एक रास्ता है। कैसा रास्ता महाराज? एक परीक्षा पास कर। कैसी परीक्षा? मैंने देख लिया तेरी उम्र अब से लेके 100 साल और बकाया है। अच्छा। अगर तू जी अपनी आधी जिंदगी, हाँ? यानी के 50 साल मुझे दान कर दे, संकल्प दे के, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दे दूंगा। 50 साल तू जी, 50 साल तेरा पति, दोनों गेले ही मरियो कट्ठी। पर सोच ले, घना ही हो वैसे 100 साल मौज मारेगी इस भर के, वरना कितने मिलेंगे? सोच ले बड़े ने के करेगी जी बात है 50 साल की महाराज, खराब करेगी। आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। आए आए, ताली बजानी पड़ेगी भाई। महाराज, हाँ? आप मेरे कैसे भी मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। तो आधी जिंदगी दान कर लीजिए महाराज। ले ये तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दे, खड़ा हो जा बेटा। हाय मान सिंह ने मन समझा, के करे है महाराज आपने वचन दिया पुत्र करूं हूं। हाय मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रट जा। दिखे कह रघुनाथ धर्म तीर रथ